हाँ ऑब्वियसली देखा जाए तो विकेट बहुत अच्छा हो गया था सेकेंड इनिंग्स में, बैट पे आ रहा था और ड्यू फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल खेला इस गेम में। और देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया, क्रेडिट तो उनको देना ही चाहिए इस चेस में। एंड 348 ऐसा देखा जाए तो इजी चेस नहीं है, बट जिस हिसाब से उन लोगों ने अपना इनिंग्स प्लान किया, एक ने एंकर किया और बाकी सब आके कैमियो खेलते गए, तो क्रेडिट देना चाहिए उनको जिस हिसाब से उन्होंने स्कोर किया, और बहुत ही अच्छा विन था उनके लिए। हाँ बहुत ही खुश हूँ, बट अगर विनिंग नोट पे ख़त्म होता था तो और ज़्यादा खुश होता था, बट इट्स फर्स्ट ऑफ द मेनी, तो यू नो विल टेक इट ऑन द स्ट्राइड एंड सी टू इट कि नेक्स्ट मैचेस में विनिंग साइड पे हम मैं फिनिश करूँ। सी एवरीबडी गोज थ्रू दैट बैड डे एंड आई पर्सनली फील दैट वी आर अ वेरी गुड फील्डिंग साइड एंड वी हैव टू ट्राई एंड हिट द टारगेट सो दैट वी क्रिएट दैट मोमेंटम ऑन द फील्ड एंड यू नो वी नीड टू चेयर अप द बोलर्स एज वेल एज ऑल द फील्डर्स हैव टू बी देयर इन द गेम। सो ऑल दीज ओवर थ्रोज एंड ऑल इट्स पार्ट ऑफ द गेम, आई मीन बिकॉज द बोलर्स दे कीप थिंकिंग अबाउट वॉट देर गोनो बोल द नेक्स्ट बॉल एंड द फील्डर्स एट द सेम टाइम इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैकअप ऑब्वियसली, बट देर आर वन ऑन टू इंस्टेंसेस दैट हैपन इन द प्रीवियस गेम, बट देर इज अ लॉट टू लर्निंग फ्रॉम दैट एंड लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट एंड ऑब्वियसली वी आर वर्किंग हार्ड ऑन अ फील्डिंग, इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट गिविंग अप ऑन द फील्ड। एंड इवन इफ यू सी दैट देर आर सम प्लेसिस वेर वी नीड टू इम्प्रूव, वी हैव बीन डूइंग रियली वेल एंड वी हैव टेकन अमेजिंग कैचेज एंड रन आउट इन दिस गेम, सो यू नो इट विल जस्ट एड अप टू द रूटीन विच वी बीन डूइंग थ्रू आउट। वी जस्ट सैट एंड एवरीबडी दे वर इन देयर ओन जोन, इट डिडंट मैटर टू बी ऑनेस्ट बिकॉज इट्स जस्ट अ लॉस एंड वी फेस दैट बिफोर एज वेल इन आर लाइफ, इट्स नॉट दैट वी आर फेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो एवरीबडी इज इन देयर नॉर्मल जोन एंड इट्स नॉट समथिंग दैट हैजंट हैपन्ड बिफोर एंड वी हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस इन आर टीम एंड इन आर सेल्व्स पर्सनली दैट वी आर गोना बाउंस बैक स्ट्रांग एंड वी हैव डन इट इन द पास्ट, सो यू जस्ट गॉट टू टेक द पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस गेम एंड मूव फॉरवर्ड। सी इंडिया ही गेम्स हैव ऑलवेज बीन हेल्पफुल फॉर मी पर्सनली बिकॉज वेन एवर आई यूज टू गो देयर आई यूज टू सी टू इट दैट एज मेनी मैचेज आई गॉट आई हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड द प्लेयर्स एंड द एटमोसफियर इज ऑल्सो रियली अमेजिंग, सो यू लिटरली डोंट हैव प्रेशर एंड कमिंग फ्रॉम द टॉप अरीना टू यू नो वन लेवल बिलो इट डजेंट मेक यू फील दैट यू आर कंप्लीटली अवे फ्रॉम द टीम, बट यू ऑलवेज सी सिमिलर फेसेज अराउंड यू एंड यू नो आई रियली एन्जॉय दैट एटमोसफियर एज आई सेड। सो या इट्स अ गुड थिंग दैट आई या सी इन इंडिया इट्स नॉट दैट आई हैव टू बैट एट नंबर फोर ऑल द टाइम, यू कीप चेंजिंग योर पोजिशन डिपेंडिंग अपॉन वॉट सिचुएशन इज एंड मनीष पांडे वॉज ऑल्सो देयर वेन आई वॉज देयर एट द इंडिया, सो ही इज बेसिकली नंबर फोर बैट्समैन इन द इंडिया, सो वी कांट टेक हिज पोजिशन ओवर देयर एंड वी कॉल हिम लेजेंड ऑफ इंडिया, सो या आई गॉट मनोवर माई प्लेस फ्रॉम 3 to 5, आई नीड टू कीप चेंजिंग, सो या इट्स जस्ट दैट वी गेट गुड प्रैक्टिस वेन एवर वी प्ले द ए गेम्स एंड वी फेस डिफरेंट ओपोनेंट्स एज वेल, सो यू गेट टू नो द एटमोसफियर एंड सिचुएशंस अराउंड। या इट वॉज स्टॉपिंग एंड कमिंग, इट वॉज देर वॉज एन इनवेरिएबल बाउंस ऑन द विकेट, सो वी जस्ट डिसाइडेड दैट वी नीड टू टेक दिस फेज एंड बिल्ड अ पार्टनरशिप एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी टुक दैट सिचुएशन कम्प्लीटली आउट एंड वी मेड अ पार्टनरशिप ऑफ 100 मी एंड विराट एंड दैट सेट अप अ मोमेंटम फॉर द नेक्स्ट बैट्समैन हू केम इन एंड यू नो वी एंडेड अप स्कोरिंग 348 विच इज़ अ रियली गुड टोटल एंड आई एम रियली हैप्पी द वे वी एंड स्पेशली मी द वे आई यू नो व्हाट डू यू से हाउ डू यू से दैट द वे आई प्लान माई इनिंग्स एंड यू नो आई वॉज कीपिंग पेशेंट एंड आई हैड दैट सेल्फ बिलीव दैट वंस आई क्रॉस द सर्टन मार्क एंड आई विल बी एबल टू यू नो कवर ऑल द बॉल्स विच आई हैव प्लेड डॉट एंड आई वॉज रियली हैप्पी द वे आई प्लान माई इनिंग्स टूडे। आई कुडंट सी द फाइनल्स येस्टरडे बट दे आर रियली हैप्पी द वे देव बीन प्लेइंग एंड यू नो स्पेशली डिफीटिंग ऑल द टीम्स वन साइडेड
it's a really good feeling, and I've been part of the under-19s as well, so I know how it feels to come to the finals and win it. Unfortunately, we didn't make it during my year, but yeah, I'm really glad that, you know, this year's under-19 batch, they've been doing amazing. And talking about KL Rahul, he's been batting magnificently well, and the way he's seeing the ball. So the time he came in and, you know, the first 6 hit, I literally asked him on the field, are you seeing the ball as football? And he was like, he was just nodded and he just laughed over it. So, yeah, he's been in tremendous touch, and there's a lot to learn from him as well as a batsman, the way he, you know, really plans his innings and then takes on the bowler.